हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूले और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब तो गाइस, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मेसोनरी सिविल कंस्ट्रक्शन। ब्रिक वर्क में कौन से बॉन्ड आते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो टोटली हमारे बॉन्ड आते हैं, 4 बॉन्ड आते हैं, आपको हम यहाँ पर बता देते। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारा आएगा स्ट्रेचर बॉन्ड, उसके बाद हमारा आएगा हेडर बॉन्ड, थ्री नंबर पे हमारा आएगा इंग्लिश बॉन्ड, फोर नंबर आएगा हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। तो गाइस, हमारे हो गए टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हमारे टोटली ये 4 बॉन्ड्स हो गए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम आपको ब्रिक साइज बता देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमारी टोटली ब्रिक्स होती है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेचर। ये हमारा होगा स्ट्रेचर, ये होगा हमारा हेडर, हेडर बॉन्ड। ये हमारा होगा 9 इंच साइज होगी उसकी, और हमारी होगी 4.5 इंच। तो गाइस, जब हम पहले आपको बात करेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में। स्ट्रेचर बॉन्ड, तो स्ट्रेचर बॉन्ड हमारा ये वाला स्ट्रेचर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर आपको बताते, एक नंबर हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, तो हमारा इस तरीके से आएगा स्ट्रेचर बॉन्ड, यानी ये 9 इंच वाली साइज यहाँ पर हमारे, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेचर बॉन्ड। तो ये इस तरीके से आएगा, ये हमारा हो गया स्ट्रेचर बॉन्ड। तो गाइज, यहाँ पर हमारा जॉइंट जो है वो अल्टरनेट होना चाहिए, इस तरीके से हमारा टोटली जॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। एक जॉइंट यहाँ पर आता है तो दूसरा जॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे 2 नंबर पे हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड, तो हेडर बॉन्ड क्या होता है, तो हमारी हेडर ये वाला है, हेडर हेडर बॉन्ड हमारा 4.5 इंच वाला है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं, हेडर बॉन्ड हमारा आएगा इस तरीके से। ये हुआ हमारा हेडर बॉन्ड, यानी हेडर बॉन्ड हमें किस तरीके से दिखेगा, 4.5 इंच वाली साइज दिखेगी यहाँ पर हमें हेडर बॉन्ड में। और अब हम बात करेंगे 3 नंबर पे इंग्लिश बॉन्ड। तो हमारा इंग्लिश बॉन्ड होगा, गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले। तो हम बात करें इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। चलो, इंग्लिश बॉन्ड हमारा इस तरह, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड, यानी वो ये सबसे पहले हम लेते हैं इंग्लिश बॉन्ड के अंदर स्ट्रेचर वाली साइज लेते हैं, यानी 9 इंच वाली साइज लेते हैं। तो हमारा हुआ इंग्लिश बॉन्ड। और अब हमें लेते हैं नीचे हेडर बॉन्ड, यानी किस तरीके से, उसके बाद वापिस हम लेंगे स्ट्रेचर, और उसके बाद हम वापिस लेंगे हेडर। इस तरीके से होगा हमारा इंग्लिश बॉन्ड। और 4 पॉइंट हमारा होगा फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, हम देख लेते हैं, यानी
वो हमारा होता है अल्टरनेट होता है, यानी सबसे पहले हम लेते हैं हेडर बोन, ये हुआ हमारा हेडर। तो उसके बाद आएगा स्ट्रेचर, फिर आएगा हेडर, फिर आएगा स्ट्रेचर। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर। उसके बाद वापस हमारा आएगा, ये लेते हैं हम यहाँ पर हेडर, उसके बाद आएगा स्ट्रेचर, वापस आएगा हमारा ये स्ट्रेचर। ये हुआ हमारा स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर। तो गाइस इस तरीके से हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, आपको हमने चारों टाइप्स बता दिया, 4 पॉइंट आपको बता दिए टोटली। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी।